नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको दिवाली जो कि एक आध्यात्मिक त्योहार है उसके बारे में, जो विज्ञान है आध्यात्मिक त्योहार होने के बावजूद में उसमें साथ में क्या वैज्ञानिक तथ्य होते हैं जुड़े हैं उसके बारे में आज मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा। मैं डॉक्टर शिशिर पटेल, मैं एक MBBS एमडी मेडिसिन डॉक्टर हूँ। 10 साल से एक डायबिटोलॉजिस्ट तरीके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दिवाली का जो ये त्यौहार है ये हजारों वर्ष जूना उत्सव है। चलो जानते हैं कि यह जो आध्यात्मिक उत्सव है उसके पीछे क्या विज्ञान है। तो सबसे पहला चीज, क्यों दिवाली में स्वीट खाई जाती है? तो दिवाली के समय में हमारा पाचन शक्ति बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होती है पाचन शक्ति। इसीलिए वह पाचन शक्ति जो अग्नि हमारी मजबूत होती है उसको शांत रखने के लिए भारी खुराक को खाना चाहिए, जैसे कि गुंदर के लड्डू, तिल की चीजें, स्वीट चीजें, मीठी चीजें, यह सब चीजें खानी चाहिए, जिसके कारण आपका जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी जो अग्नि होती है वह शांत होती है। अब दिवाली के टाइम पे एक्सरसाइज क्यों चालू रखना चाहिए? देखिए, दिवाली एक व्यस्तता का त्यौहार है कि जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा भागा दौड़ी होती है, हमारा स्ट्रेस भी काफी सारा जनरेट होता है। और तीसरा चीज की इसमें ऋतु का बदलाव होता है, जैसे ऋतु आपका बरसात से ठंडी के मौसम में हम लोग जाते हैं, तो यह ऋतु बदलने के कारण हमारे शरीर में जो दोषों के बदलाव होते हैं, यह दोष के बदलाव के कारण हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो उन दोषों के बदलाव को मेंटेन करने के लिए अगर हम लोग योग रेगुलर और दैनंदिन कसरत चालू रखें तो हम लोग बीमार नहीं पड़ते। क्यों दिवाली में पूजा की जाती है? भले दिवाली की पूजा को हम लोग आध्यात्मिक मानते हैं बट उसके पीछे साइंटिफिक तथ्य भी है। तो सबसे पहले पूजा एक ध्यान का एक प्रकार होता है और यह रिसर्च में पाया गया है कि ध्यान करने वाले लोगों का टेलोमियर की लंबाई जो होती है वो बढ़ते जाती है, जिसके कारण हमारी आयु बढ़ती है। तो पूजा रूपी ध्यान करने से भी हमारी जो उम्र है वह बढ़ते जाती है। और दूसरा चीज, एक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का एक रिसर्च कहता है कि जो भी लोग रोज सुबह मंदिर जाते हैं और पूजा करते हैं उनकी आयु नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। अब दिवाली में कौन सी पूजा की जाती है, उसके क्या वैज्ञानिक तथ्य होते हैं? तो सबसे पहले जो बलि प्रतिपदा का जो पूजा होता है जिसको हम लोग नया साल बोलते हैं, तो नए साल में हमको एक संकल्प लेना होता है। क्या संकल्प लेना होता है कि जैसे पहला पूजा हम लोग चौपड़ा पूजन जो करते हैं, जिस दिन सरस्वती माता की पूजा करके हम लोग कुछ नया सीखने का प्रण लेते हैं। दूसरा, काली चौदस के दिन शक्ति की पूजा करके वह जो हमने नया सीखा है उसको हम संपूर्ण शक्ति के साथ एक दिशा में केंद्रित करने का वचन लेते हैं और उसे लोगों से निस्वार्थ संबंध बना के, जैसे कि भाई दूज हम लोग दिवाली में मनाते हैं, एक बहन और भाई का जो रिलेशन होता है निस्वार्थ संबंध का, वैसे ही हम लोगों से एक निस्वार्थ संबंध बना के वह विद्या लोक कल्याण के लिए वापरे और वह विद्या लोक कल्याण के लिए वापर के धनतेरस के दिन जो हम लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं उसमें हम लोग यह प्रण लेते हैं कि अच्छे कार्य करके लक्ष्मी यानी कि पैसा, भाव, गुण और वैभव, लक्ष्मी के जो अलग अलग रूप होते हैं उनको हम लोग जीवन में प्राप्त करें। यह संकल्प हम लोग नए साल में चालू करने के वक्त लेते हैं, यह इसका साइंटिफिक रीजन है। दिवाली और मेंटल हेल्थ। दिवाली, जैसे पहले भी मैंने बोला है कि दिवाली जो है यह अमावस्या के दिन होता है, अंधकार रूपी जो अमावस्या हमारे जीवन में होती है उसको दिया या सूर्य रूपी प्रकाश या ध्यान, इससे आप आंतरिक अंधकार को दूर करके हम लोग दिवाली मनाते हैं। तो दिवाली यानी हमारे आंतरिक जो नेगेटिविटी है उसको निकाल के हम लोग जो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं उसे हम लोग दिवाली मनाना कहते हैं। अब दिवाली में दिए क्यों जलाए जाते हैं, उसके पीछे क्या साइंटिफिक तथ्य होते हैं? जैसे आप घर में दिया जलाते हो तो दिया जलाते वक्त जो दिवाली के टाइम पे मच्छर ज्यादा होते हैं वो मच्छर दिए के पास में जाते हैं और दिए के जो बत्ती होते हैं उसको लग लग के काफी सारे मच्छर मर जाते हैं और वह जो मच्छर मरते उसके कारण हमारी जो डेंगू जैसी और मलेरिया जैसी बीमारी है वो कम हो जाती है। और दिए से जो कुछ केमिकल्स जो निकलते हैं वह केमिकल के कारण जो दिवाली के समय में जो कीटक होते हैं वातावरण में वह भी काफी हद तक कम हो जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।